हे hey गाइस कैसे हैं आप लोग होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम बात कर रहे हैं वी बोर्ड्स के बारे में आई नो आई नो इट्स वी जी नॉट उइजा और एक टाइम तक मैं भी उइजा बोलती थी या उइी बोलती थी बट इट्स वी बोर्ड या कुछ लोग इसको वी जा बोर्ड भी कहते हैं सो या आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो बिकॉज हे हम टेक्स्ट बुक चीज़ें नहीं पढ़ रहे हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक Bohut time like a research can easily. So, if you like it, make sure to give this video a thumbs up and let's get started. I can take you anywhere, I could take you home. I just want to show so you never feel alone. I don't know how it feels to be lost inside this world. Don't give up. Don't Schooling rolling. Make sure to to subscribe and don't forget check Check my other channel. Come on, what are you doing? Check it. Link is in the description box. Let's go. जितनी भी, भी रिसर्च की है जितना भी पढ़ा है, वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. कुछ रिसर्च पेपर हैं, कुछ न्यूज आर्टिकल हैं, और कुछ वीडियोज हैं और राइट ओके टेबल ऑफ contents. सबसे पहले हम देखेंगे वीजी बोर्ड क्या है उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि कहाँ से आई ये चीज़ उसके बाद हम रियल स्टोरीज देखेंगे रिलेटेड टू तो वीजी बोर्ड और इसके बाद हम देखेंगे हाउ डज़ इट वर्क एंड ऑल्सो माई थाट्स माई बिलीव्स वीजी बोर्ड एक डिवाइस है जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं मैसेज लेने के लिए फ्रॉम स्पिरिट वर्ल्ड यानी रूह से अगर रूहें हैं आपके आसपास किसी की भी रूह अवेलेबल है आप उससे मैसेज ले सकते हैं उससे बात कर सकते हैं थ्रू वी बोर्ड वी बोर्ड एक लॉन्ग वुड पीस होता है जिसमें आपके अल्फाबेट्स होते हैं नंबर्स होते हैं यस नो और गुड बाय होता है उसके ऊपर एक हार्ड शेप का प्लानशेट होता है जिसपे आप अपनी दो फिंगर्स रखते हो उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है जो बेसिकली जहाँ जहाँ जाता है वो लेटर वो वर्ड आपको नोट करना होता है वो आपको स्पिरिट बता रही है ये लफ्ज़ देखो वो लफ्ज़ देखो अगर बैकग्राउंड वॉइस है आई एम सो सॉरी आई कैन नॉट स्टॉप पीपल हेयर एंड अपेरेंटली दे डोंट स्टॉप एट ऑल समटाइम्स दे आर लाइक थक फॉर एवर और राइट सो वी जी बोर्ड काम कुछ इस तरीके से करता है कि सब लोग वी जी बोर्ड के अराउंड एक सर्कल में बैठते हैं और उसके प्लान पे सब लोग एक उंगली या दो उंगलियाँ रखते हैं इट्स अबट कंफ्यूजिंग कुछ लोग कहते हैं एक उंगली कुछ लोग कहते हैं दो उंगलियाँ सो या एनी तो वो रखते हैं और फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं वी बोर्ड से और वी बोर्ड खुद ब खुद आंसर करता है हाँ <laughs> जी हाँ डोंट वरी इट्स नॉट दैट स्पूकी और डरावना एंड में आपको रीजनिंग पता चलेगी जो कि साइंटिफिक है एंड देन यू विल अंडरस्टैंड ओह ओह ओके ऑनेस्टली दैट कुड बी योर रिएक्शन और यू बी लाइक ओह वाह हमारा दिमाग तो बहुत ही चलाक है सो या डोंट फॉरगेट टू वॉच टिल एंड वीजी बोर्ड आपका कुछ ऐसा दिखता है और इस तरीके से ऑपरेट किया जाता है और राइट नाउ आप देखते हैं हिस्ट्री हिस्ट्री थोड़ी सी अनक्लियर है एग्जैक्टली exactly हमें नहीं पता कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो इसके बारे में बात करते हैं या टॉकिंग बोर्ड्स के बारे में बात करते हैं विच इज़ अ सिमिलर कॉन्सेप्ट टू वीजी बोर्ड्स टॉकिंग बोर्ड्स बेसिकली आप उन चीज़ों से बात करते हो जो वहाँ अवेलेबल नहीं हैं लेकिन वो डिफरेंट बोर्ड्स थे दे लुक लाइक वीजी बोर्ड्स बट वही कॉन्सेप्ट है जैसे कि हर चीज़ चेंज होती है टाइम के साथ वीजी बोर्ड भी चेंज हुआ है लेकिन इसका पहला पहला टॉकिंग बोर्ड्स का इंसिडेंट जो है जहाँ पर यूज़ होता था जो डॉक्यूमेंटेड है वो है ग्रीस ग्रीस में टॉकिंग बोर्ड होता था जो पाइथागोरस यूज़ करता था और इसके डिसिपल्स यानी वो लोग जो उसको फॉलो करते थे वो कहते थे आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ हम आएंगे वो लोग यूज़ करते थे टॉकिंग बोर्ड टू नो थिंग्स बीमारियों के इलाज चीज़ों के बारे में वो चीज़ें जो उन्हें नहीं पता थी और क्वेश्चंस जो नहीं पता थे उनके आंसर्स उन्हें चाहिए थे वो टॉकिंग बोर्ड से लेते थे पैथगॉर्स ने अपने फॉलोअर्स को कहा कि आप हमेशा टॉकिंग बोर्ड की मदद लें आपको जो भी काम हो जो भी चाहिए हो इवन आफ्टर हिम और तब ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल प्रैक्टिस थी ये कोई आउट ऑफ ऑर्डनरी नहीं थी वियर्ड नहीं थी देर लाइक हाँ टॉकिंग बोर्ड हाँ इट वॉज़ अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ सेम गोज फॉर चाइना चाइना में भी एक ट्रेडिशन होता था बेसिकली वो लोग कहते थे कि हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो लोग मर चुके हैं थ्रू ऑटोमेटेड राइटिंग ऑटोमेटेड राइटिंग क्या होता है कि आप उसको खुद फ्लो नहीं कर रहे वो खुद ब खुद लफ्ज आ रहे हैं right? like board, खुद ब खुद लिखा जा रहा है राइट जस्ट लाइक वी जी बोर्ड खुद ब खुद मूव करता है तो उनके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट थे और ये वाली प्लानश राइटिंग कहलाती थी फ्यूजी इन चाइना तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स थे तरह तरह के टॉकिंग बोर्ड्स थे बट एज आई सेट कॉन्सेप्ट सेम था देन रोम में भी ऐसा डिवाइस यूज़ किया जाता था वी बोर्ड की बहुत सारी किस्में हैं और जैसे कि मैंने कहा ऐसे कॉन्सेप्ट और डिवाइस बहुत सारे हैं जो इसी तरह के हैं लेकिन मेन वीजी बोर्ड यानी लोग जमा हों और बैठें और बात करें ये वाला कन्सेप्ट स्टार्ट हुआ स्पिरिचुअलिज्म के साथ स्पिरिचुअलिज्म एक मूवमेंट है जिसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि डेड मरे हुए लोग सर्वाइव करते हैं वो मर चुके हैं लेकिन बस उन्होंने समझे अपनी शक्ल तब्दील कर ली है वो रू बन चुके हैं अब वो जिंदा लोगों में नहीं है वो यहीं अवेलेबल हैं लेकिन वो एक रू बन चुके हैं और हम उनसे बात कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई मीडियम हो कोई बीच की चीज़ हो जैसे कि हमारा टेलीफोन हो हेलो हाँ मर गए कैसे हो ठीक हो मजा आया ओके बाय शॉर्ट ऑफ लाइक दैट ओके सो हाँ दिस इज स्परिचुअलिज्म बाय द वे आई डू थिंक कि हम रूहें बन जाती हैं और हमारी आफ्टर लाइफ है बट इट्स नॉट दैट ईजी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर वरना फिर कितने सारे केसेस सॉल्व हो जाते हैं कितनी सारी चीज़ें कितनी ईजी हो जाती पर ऐसा नहीं है <laughs> स्पिरिचुअलिज्म मूवमेंट ये मूवमेंट वो मूवमेंट है जिसमें लोग क्वेश्चन कर रहे थे हर चीज़ को कि क्या खुदा है क्या ऐसी चीज़ें हैं क्या हमारे अलावा इंसानों के अलावा भी कोई चीज़ अवेलेबल है तो इस क्वेश्चनिंग में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई इसके मेन पिन पॉइंट कि ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुई ये की जाती है ज़्यादातर फॉक्स सिस्टर्स के साथ फॉक्स सिस्टर्स बहनें थी जो कहती थी कि हम मरे हुए लोगों के साथ बात कर सकते हैं उन्होंने बताना शुरू किया बहुत सारी चीज़ें उनके घर में होने लगी नेबर्स ने भी सुना उन्होंने नेबर्स को बताया और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को पता चला कि ये फॉक्स सिस्टर्स हैं जो कि मरे हुए लोगों के साथ बात करती हैं इसको ज़्यादातर कंसिडर किया जाता है बिगिनिंग शुरुआत मॉडर्न स्परिचुअलिस्ट मूवमेंट की लेकिन है <laughs> बहुत बड़ा ट्विस्ट है बाय द वे फॉक्स सिस्टर्स की स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है बट इट्स कॉ टेक अ लॉन्ग टाइम अगर हम डिटेल में जाते हैं इफ़ यू वन ए नो दैट लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो राइट सो लेकिन बाद में पता चला कि फॉक्स सिस्टर्स में से एक बहन ने कहा हम तो झूठ बोल रहे थे सो <laughs> so, हाँ हाउ एवर इट डेंट स्टॉप पीपल इन दैट मूवमेंट क्या हुआ बहुत सारे लोगों को बहुत बिलीव हो गया था फॉक्स सिस्टर्स पे और इसी तरह बहुत सारे और लोग आने लगे जिन्होंने कहा हाँ हम भी मरे हुए लोगों के साथ बात कर सकते हैं एंड इट बिकेम अ थिंग बेसिकली सब लोग जाते थे उनके पास अपने प्यारों से बात करने वो प्यारे जो दुनिया में नहीं हैं वो जाते थे उनको पेमेंट वेमेंट देते थे एंड ऑल दैट लेकिन उस टाइम पे मीडियम्स हमारे लोग ही थे कोई डिवाइसेस नहीं थे कोई बोर्ड्स नहीं थे इस टाइम पे कुछ लोग वाकई बिलीव करते थे कि दे वर एबल टू टॉक टू द डेड ना वॉज इट अ मेडिकल सिटेशन और नॉट आई एम नॉट श्योर एंड आई डोंट वॉन्ट अ कमेंट ऑन दैट हाउएवर कुछ लोग स्कैमर्स थे वो नहीं बात कर सकते थे उनको ख़ुद को भी पता था कि हम नहीं कर सकते लेकिन वो लोगों को उल्लू बनाते थे और उनसे पैसे लेते थे नाउ जब ये सब हो रहा था 1856 में फ़्रांस के पास एक डिवाइस था उन्होंने इन्वेंट किया था जो कहलाता था प्लान उसमें एक पेन लगा हुआ था और उसके थ्रू वो लोगों से रूहों से बात करते थे अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है प्लाशेट था उसमें व्हील्स लगे हुए थे एक पेन लगा हुआ था लोग मिलते थे बैठते थे सब लोग मिलके हाथ रखते थे एंड देन स्पिरिट से बात करते थे जो कि करंट वी बोर्ड का प्रोसेस भी है अच्छा उसी टाइम पे फ्रांस में ही बहुत सारे बड़े बड़े टॉकिंग बोर्ड्स भी थे कहा जाता है कि वो इतने बड़े थे कि वो लोग साइड वॉक्स पे यानी ज़मीन के टुकड़ों पे बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़ों पे और जो जहाँ पे आप चलते हो रोड के साइड पे वहाँ पे वो लोग टॉकिंग बोर्ड्स बनाते थे पेंट करते थे और फिर उसको यूज़ करते थे उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन कहीं कहीं ये मेंशन था दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू पर प्लानशेट के बारे में है सो so लेट्स टॉक अबाउट प्लानशेट प्लानशेट जो पेन वाला है उसमें क्या होता था कि पेन जो है इतनी अप एंड डाउन यू नो एक पूरा सेंटेंस लिखने के लिए वो शीट से ऊपर नहीं हो सकती तो जब एक मैसेज लिखा जाता था तो वो बहुत कंफ्यूजिंग था रीड करना जिसकी वजह से उन्होंने सोचा मे बी हमें कुछ और करना चाहिए कुछ और उन्होंने क्या किया डायल प्लान शेट डायल प्लान क्या है इस तरह का एक डिवाइस है लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ लोगों ने ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि जब भी कोई स्पिरिट या वट यू बिलीव इन वो पूरा एक सर्कल कवर करती थी तो लोगों को उठना पड़ता था ऑब्वियसली इट्स अ सर्कल हाउ वुड यू गो के हाँ आप यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ यू नो इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ और लोगों ने यूज़ करना छोड़ दिया ओके देन कम्स द एक्चुअल वीजी बोर्ड एटीन नाइन्टी में राइक अलायजा एंड चार्ल्स इन लोगों ने सोचा लेट्स मेक अ वीजी बोर्ड कहा जाता है कि अलाइजा का आइडिया था और ये भी कहते हैं कि वो फ्रांस गया था उसने वहाँ देखा कि वहाँ पे ऐसे टॉकिंग बोर्ड्स हैं और ये प्लानशेट हैं और वहाँ से उसको आइडिया मिला फिर उसने उस आइडिया को लिया और अपने दोस्तों को बताया इन ऑल सेट यस गुड आइडिया लेट्स डू दिस उन्होंने अपना पैटेंट भी निकाला एंड देन कम्स द नेम अब अब तक टॉकिंग बोर्ड है ये इसका कोई वीजी वीजी नाम नहीं है तो ये नाम कैसे आया नाउ नाम की भी काफ़ी कन्फ्यूजन है हाउ एवर आई वुड टेल यू एग्जैक्टली कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं कैनड ने कहा कि बोर्ड ने उसे नाम बताया वी और जब उसने पूछा इसका मतलब क्या है तो आया कि भाई ये इजिप्शियन वर्ड है जिसका मतलब है गुड लक एक और चीज़ मेंशन हुई हुई थी कि मे बी दे आस्ट समल्स एक बंदी थी आई थिंक वो कैनड की कोई रिश्तेदार थी रिलेटिव थी और उनसे पूछा गया ये कहा जाता है कि जिस टाइम उन्होंने वीजी बोर्ड का नाम बताया वो एक नेकलेस पहनी हुई थी जिसका नाम था उइडा उइडा राइट आई होप आई एम राइट बट या उइडा और वीडा एंड उससे उसने डी को जे बना दिया एंड वीजी बोर्ड लेकिन जब हम इस नाम को ब्रेक डाउन करते हैं तो दो नाम निकलते हैं एक है फ्रेंच वी एंड जर्मन जी सो दैट्स वाई वी कॉल इट वी जी और दोनों लफ्ज़ों का मतलब है यस यस सो so, यस यस बोर्ड ये तीनों बातें कहीं जाती हैं कुछ हिस्टोरियंस एक पे बिलीव करते हैं कुछ दूसरे पे right, और राइट और कैनड वाली दोनों सिचुएशन सेम है बेसिकली वो कैनड से ही आया कैनड ने पूछा या उसकी रिलेटिव ने डेंट मैटर और राइट अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो ये बहुत पॉपुलर होने लगा कैसे राइट right, जो हमारे हैं वो हैं कॉफिन मेकर कॉफिन मेकर थे तो वो जब किसी का किसी की डेथ होती थी तभी कोई कॉफिन की शॉपिंग करने जाता है यू डोंट जस्ट स्टैंड अप एंड से हाँ चलो कॉफिन खरीदते हैं सो so, जब वो लोग जाते थे कॉफिन खरीदने और वो देखते थे साइड पे एक वीजी बोर्ड वो पूछते थे हे hey, ये क्या है तो वो बोलते थे आ oh, ये तो एक बोर्ड है जिससे आप जो लोग मर चुके हैं उनसे बात कर सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है चलें चलें इन दैट सिचुएशन वो लोग ऑब्वियसली सेंसिटिव हुए हुए हैं कोई उनके घर डेथ हुई है एंड यू नो दैट सच असिटिव थिंग अगर आपको कोई भी होप दिखती है यू कैन से यस तो दे व लाइक रियली फाइन आई विल बाई इट वो लोग खरीद लेते थे इसकी वजह से काफ़ी लोग विजी बोर्ड की तरफ आने लगे और इसके बाद जिस चीज़ ने इसको ग्रो करने में हेल्प की वो है कि यहाँ पर लोग जब चाहे तब वीजी बोर्ड उठा सकते थे रिमेंबर स्परिचुअल मोमेंट में लोगों को जाना पड़ता था पैसे भी देने पड़ते थे और दे देर नो इफ़ इट वॉज रियल और नॉट और आपको टाइम निकालना पड़ता था लेकिन इसमें आपके पास बोर्ड अवेलेबल है आपका जब दिल चाहे आप देख सकते हो और स्कैम भी नहीं है यू you नो know? और आपको इतने पैसे देने नहीं पड़ते बिकॉज़ एक बार खरीद लिया तो डन इन रीजंस की वजह से काफ़ी काफ़ी पॉपुलर हुआ फिर आई वर्ल्ड वॉर और ग्रेट डिप्रेशन इन दोनों सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई जिसमें लोग बहुत सेंसिटिव थे बहुत अफसोस में थे और उनको कोई भी साइन दिखता था कि हे हम अपने प्यारों से बात कर सकते हैं तो वो अपने लोगों से बात करने के लिए वो लोग जो जा चुके हैं वॉर में जा चुके हैं डिप्रेशन की वजह से गए हैं तो उनसे बात करने के लिए वीजी बोर्ड खरीदते थे ग्रेट डिप्रेशन में बहुत सारी चीज़ें नहीं चल रही थी लेकिन वी बोर्ड बहुत पॉपुलर था और अभी भी बिक रहा था तो इस तरह से वी बोर्ड एक बहुत ही कॉमन और बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट बन गया लेकिन वी जी बोड इज़ नॉट एज ईजी एज इट सीम्स इसके साथ बहुत सारे रियल लाइफ केसेस इन्वॉल्व हैं और जो कि काफ़ी काफ़ी बुरे हैं एक्चुअली अब हम देखेंगे कि रियल लाइफ केसेस कौन कौन से हैं जो वी जी बोट से रिलेटेड हैं रियलिटी में बहुत सारे केसेस अवेलेबल हैं लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ दो को डिस्कस करेंगे सबसे पहला है एला क्रॉफोर्ड का केस वो एक विडो थी और माँ थी जिन्होंने वीजी बोर्ड यूज़ करना शुरू किया जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई ये बेटी उनकी अडॉप्टेड थी और वो अकेली थी ऑब्वियसली जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन अप एंड डाउन थी तो उस कन्फ्यूजन में वो वीजी बोर्ड की तरफ गईं वह हर चीज़ वीजी बोर्ड से पूछती थी और उस पर अमल करती थी तो उसका बिलीफ वीजी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया इतना कि जब वीजी बोर्ड ने उसको कहा कि तुम बहुत ज़्यादा गरीब हो जाओगी और तब तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं कुछ समझ नहीं आएगा इससे अच्छा इससे बचने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए तुम्हें खुद को और अपनी बेटी को मार देना चाहिए तो उसने उस पर भी अमल कर दिया क्योंकि उसका बिलीफ इतना स्ट्रांग था उसने खुद को मारने की कोशिश ज़रूर की लेकिन वो बच गई जब वो हॉस्पिटल में थी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उसने कहा वी बोर्ड की वजह से मैंने ये किया वी बोर्ड ने मुझे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हो जाऊंगी, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी जब मैं संभाल नहीं पाऊंगी, तो इससे अच्छा मैं खुद को और अपनी बेटी को मार दूं। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूंगी कि वी बोर्ड खुद से बात नहीं करता आप उससे एक चीज़ पूछते हो तभी वो जवाब देता है रिमेंबर दिस पॉइंट क्योंकि हम इस पर बाद में आएंगे नाउ कम्स डॉ और मैटी का केस वो दोनों भी माँ बेटी थी वो दोनों वीजी बोर्ड यूज़ कर रही थी और एक दफ़ा वो खेल रही थी तो मैटी को वीजी बोर्ड ने कहा कि अपने बाप को मार दो अपने बाप को मार दो ताकि तुम्हारी माँ जाके किसी और से शादी कर ले जब ये हुआ मैटी पंद्रह साल की थी उसको समझ नहीं आ रहा था लेकिन उसकी मामा ने कहा कि आप वीजी बोर्ड के ख़िलाफ़ तो जा ही नहीं सकते और उनका बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि दे सेड ओके सही है मैटी ने अपने बाप को मार दिया उनको हॉस्पिटल ले जाया गया कुछ हफ्तों के बाद उनकी डेथ हो गई बाप की और डॉर्थ और मैटी अरेस्ट हो गए लेकिन ये एक और केस था जो आया किसकी वजह से वीजी बोर्ड की वजह से वीजी बोर्ड ने उन्हें कहा और उन्होंने अमल किया नाउ हाउ डज़ दिस वर्क वी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन जो स्पेकुलेशन है लोग जो समझते हैं वो है कि आप रूहों से बात कर सकते हो उन चीज़ों से बात कर सकते हो जो हमें दिखती नहीं है जो ज़मीन पे अवेलेबल हैं पर वो हमें नहीं दिखती हम उनसे वैसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते लेकिन थ्रू वी बोर्ड हम कर सकते हैं अच्छा लेकिन जब ये केसेज़ आने लगे तब सब लोगों ने सोचा मे बी हम किसी खुदा या रूह से नहीं बात कर रहे हम किसी शैतान से बात कर रहे हैं यू नो इट्स डेवल इट्स नॉट गुड क्योंकि वो लोगों को कह रहा था कि भाई उसको मार दो उसको मार दो ये कर दो वो कर दो तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया मे बी हम डेवल से बात कर रहे हैं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वी बोर्ड के थ्रू आप दूसरे रेम्स यानी दूसरी जगहों हेल है वगैरह को ओपन कर सकते हो

हमें लगता है हम उन चीज़ों को देख रहे हैं दिस इज़ रियल पर वो नहीं होता इसी तरह एक चीज़ है ऑटोमेटिज़म और आइडियोमोटर ये दोनों सॉर्ट ऑफ सेम प्रोसेस के नाम हैं बेसिकली क्या होता है कि आपका दिमाग सब कॉन्शियस दिमाग आपको मूव करा रहा है कैसे ओके डू यू रिमेंबर समटाइम्स अजीब सा अचानक से झटका लगता है एंड यू डोंट थिंक अबाउट इट यू डेंट थिंक यार अभी मैं ना ऐसे एक वाइब्रेशन ले लेता हूँ नो no, आप कन्फ्यूज हो जाते हो वह आपकी बॉडी होती है सब कॉन्शियस माइंड को कहती है कि आई नीड दिस एंड आप करते हो बट आपने अपने दिमाग में नहीं सोचा है वो आपको नहीं पता कि यह ऐसा हुआ और क्यों हुआ क्योंकि आपने अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्ट नहीं किया है आपके कॉन्शियस माइंड ने नहीं किया है आपके माइंड में दो चीज़ें होती हैं सब कॉन्शियस और कॉन्शियस सबकॉन्शियस वो दिमाग है जहाँ पे सारे तूफानी ख्याल होते हैं और सारे स्टूपिड चीज़ें होती हैं जैसे सब कॉन्शियस माइंड आपका कहेगा मे बी के पंच योर सेल्फ अपने आप को एक मुक्का मार दो अपने आप को चमाट मार दो लेकिन कॉन्शियस माइंड कहेगा नहीं चोट लगेगी चुप करके बैठ जाओ सो दैट्स वॉट्स योर सब कॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड आपका सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है वो आपको बिना आपके चाहे बिना आपके जाने मूव करा सकता है चीज़ें आपसे करा सकता है जब आप वीजी बोर्ड पे बैठते हो तो आप सम हाउ उस सबकॉन्शियस माइंड को ओपन कर लेते हो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका बिलीव सिस्टम बहुत ज़्यादा वर्क करता है अगर आप वीजी बोर्ड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो एंड यू लाइक ऐसा होगा तो ऐसा होगा आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना आपके जाने चीज़ों को मूव कर रहा होता है आपको फील नहीं होता कि ये मैंने किया है यू थिंक ये किसी और ने किया है ये किसी और से हो रहा है आपके दिमाग में ये डेविल स्पिरिट ही आ रहा होता है क्योंकि दिस इज़ वाट यू बिलीव इन एंड इस तरह का एक्ट इस तरह का प्रोसेस उसको कहते हैं ऑटोमेटिज़म ऑटोमेटिज़म या आइडियो मोटर दिस इज़ वॉट हैपन्स इन वी जी बोर्ड सिटन जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद आपके हाथ को मूव करता है आपको नहीं पता आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता इट्स नॉट लाइक यू आर लाइंग आपको पता ही नहीं है कि आपके ही एक ब्रेन ने आपके हाथ को कहा कि उस साइड हो राइट right? स्लाइड करो सो दिस इज़ हाउ वीजी बोर्ड वर्क्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए इस चीज़ को प्रूव करने के लिए और इन्होंने प्रूव किया जब लोग ब्लाइंड फोल्डेड थे तो वो सही सही मैसेज नहीं बना पा रहे थे उसके अलावा जब बोर्ड को अप एंड डाउन किया रोटेट किया तब भी वहाँ प्रॉब्लम्स आ रही थी विच इज़ वाई इट इज़ बिलीव कि ये आपके दिमाग का खेले कोई स्पिरिट्स या डेविल नहीं है यहाँ पे सो दैट्स योर वी जी बोर्ड एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स अब ये किलिंग सिटेशन बहुत सारे केसेस हुए इसमें क्या है लेट मी टेल यू वीजी बोर्ड आपको वही चीज़ें बताता है जो आप उससे पूछते हो अगर आपने उससे पूछा क्या ये बंदा मुझे मारेगा तो आपको आंसर मिलेगा यस और नो सब कॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड में आपके पास ये डाउट है कि हाँ ये मुझे मारेगा यू you नो know? तो दैट डाउट दैट क्रिएट्स इट कि आपका बोर्ड आपको बोलता है यस yes. उससे मैं कैसे बचूँ उसको मार दो ओके okay. तो जितने भी लोगों के साथ केस हुए उन्होंने ऐसे सवाल वी बोर्ड से पूछे अगर आप वी बोर्ड से क्वेश्चन नहीं पूछते तो वो उसका आंसर नहीं देता वो खुद से आके आपसे बातें नहीं करता वो ये नहीं बोलता आपको ये मार देगा तो आप उसे मार दो आप गरीब हो जाओगे तो आप ये ऐसा नहीं हो रहा तो दैट्स वाई आई बिलीव मोर इन दिटवेसन कि हाँ दिस इज़ ऑल योर माइंड एंड ऑल्सो आई वन से वन मोर थिंग भाई आई बिलीव इन स्पिरिट ओके देर आर दो थिंग्स देर आर डेफिनेटली अदर थिंग जिसको हम समझ नहीं पाते लेकिन और ऑबियसली एज बींग अ मुस्लिम आई बिलीव इन अ लॉट ऑफ दो लेकिन अगेन उनके साथ कॉन्टेक्ट करना इतना आसान नहीं है कि आप एक बोर्ड लो और उससे यू नो उसके अंदर कुछ भी नहीं है सो इट्स लाइक हाउ इज इट वर्किंग हाउ इज इट हैपनिंग ऐसे तो हम कोई भी क्वेश्चन पूछे कुछ भी करें स्पिरिट्स हमें जवाब दे सकती हैं right? so yeah that's why in my belief scientific explanation is much more appealing to me than the other one and that's it one more point i want to say is ke agar aapko kahin vg board toys mein dikhe to there is a history behind that too but it will take a lot of time to go through that So, if you want me to do a part two or maybe go through more cases of the same situation, let me know in the comments below. And also tell me if there's anything else that you want me to talk about. It was really fun to make this video. It was different. And obviously, I think you guys learned something new too. And that's it. Alright, guys, that's it. Like, comment, share, and subscribe. Bye. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you.